बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा। इतने मेंढक नजर आ रहे हैं हमें, और बिच्छू भी है, सांप भी है, खतरा है, लेकिन हम लोग अल्लाह की राह के लिए निकले हुए, अल्लाह पाक हमारी हिफाजत। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, अल्लाह के फजल व करम से। भी वो भी पहना हुआ आज, और रमजान रमजान शरीफ आप सबको मुबारक हो। रमजान करीम के बदौलत अल्लाह ताला ने हमें थोड़ी सी हिदायत दे दी है, हम जा रहे हैं सह रोजे पे। सह रोजे वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं कि वायरल हो, ये वो लोग ये समझते हैं, लेकिन हम लोगों ने बोला आप जो समझे, लेकिन हमारा काम है दीन पर लाना, दीन पे हम उसके नियत से हम लोग वीडियो बनाएंगे और वो आपको दिखाएंगे क्या क्या होगा इंशाल्लाह, हम आपको दिखाएंगे जो जो होता जाएगा, हम आपको बताते जाएंगे थोड़े थोड़े क्लिप करके। भाई हम लोग जा रहे हैं किस साइड जा रहे हैं? नूरियाबाद, हैदराबाद। हैदराबाद की साइड जा रहे हैं और गाँव। गाइस एक मिनट, कुछ लोगों को दुआ भी मांगने, दुआ में सबको याद रखेंगे इंशाल्लाह आप लोग को भी। तो हमारे लोग देखते रहिए, हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे कि क्या होता है क्या नहीं। अभी हम लोग निकलते हैं, बस निकल रही है, अभी हम लोग निकलते हैं। काफ़ी ऐसा एक मौसम है, इस मौसम के लिए लोग तरसते हैं, अगस्त में आते हैं पाकिस्तान में क्यों इस मौसम को एंजॉय करने। ये मौसम आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल मौसम है, सुभान अल्लाह देख सकते हैं। तो ये अल्लाह पाक का एक तोहफा था हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी थी, हम लोग आए अचानक से, तो अल्लाह पाक ने कहा कि मेरे बंदे आए हुए, मैंने कुछ तोहफा दे दूँ। बिल्कुल हम लोग आए हुए, माशाल्लाह से मौसम भी बड़ा प्यारा है, और ये थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी हो रही है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारा मस्जिद है सामने, हैदराबाद की साइड, हैदराबाद के करीब। कुछ हमारे दोस्त हैं हैदराबाद के भी हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे हमारे हैदराबाद का के बारे में, देख सकते हैं यार माशाल्लाह। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहाड़ वगैरह भी हैं उस साइड पे, बहुत दूर की साइड, और खुला मैदान है, हवा भी बहुत तेजी से चल रही है, बारिश भी माशाल्लाह से बहुत तेजी से हो रही है, कमरे कम आए इस वजह से, तो मैं वाइट कपड़े तो उसमें से आपको दिख नहीं रहा। तो गाइस बहुत ही ख़तरनाक जगह थी ये, बल्कि है, हम लोगों ने समझा कि रात का टाइम होगा तो लाइटें होंगी, कुछ भी नहीं है, बहुत ही ख़तरनाक ये जगह आप देख सकते हैं, बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा। इतने मेंढक नज़र आ रहे हैं हमें, और बिच्छू भी है, सांप भी है, ख़तरा है, लेकिन हम लोग अल्लाह की राह के लिए निकले हुए, अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करेंगे। फाद भाई आप दिखाएं, ये हमारा मस्जिद है, ये माशाल्लाह से हमारा मस्जिद है, यहाँ पे भी एक दो लाइटें चल रही हैं बस, बहुत डर लग रहा है हमें। जी जी बस इंशाल्लाह, हमारे उम्मीद किस पे, अल्लाह पे कायम है। खाने पीने का बिल्कुल जो है ना इंतजाम नहीं, लेकिन मतलब कहाँ से आ रहा है, अफ्तारी हमने की ना, इतना बेहतरीन खाना था, इतना बेहतरीन फ्रूट्स वगैरह, इस जंगल में फ्रूट्स वगैरह कहाँ से, लेकिन अल्लाह हमें दे रहे, यहाँ से दुकान भी इतने दूर है, तो फिर बस हमें अल्लाह खिला रहे हैं, अल्लाह के मेहमान है। तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर दुकान वगैरह काफ़ी जो है इस जगह का, हम आपको क्या बोलें, क्योंकि ये जगह जो है इस सिंध के एक इलाके में नूरियाबाद की तरफ आता है, काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे, अभी लाइट की वजह से रोशनी हो रही है, वैसे तो यहाँ पे फुल अंधेरा है। अब इंसान वजू के लिए जाए तो भी किसी को साथ ले जाए, क्योंकि ख़तरा हो सकता है, अंधेरी रात है, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह का नाम लेके जाएंगे इंशाल्लाह, तो आपको हम लोग दिखाते जाएंगे कि नेक्स्ट डे क्या होगा। ओके ओके गाइस, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आदमी नमाज से फारिग होता है और इसके लिए सवाब का 10वां हिस्सा लिखा जाता है, उसी तरह बास के लिए 9वां हिस्सा, बास के लिए 8वां, 7वां, चट्टा, 5वां, चौथा ही तिहाई आधा हिस्सा लिखा जाता है, हत्ता के बास को पूरा पूरा अजर मिल जाता है और बास को
बिल्कुल भी नहीं मिलता कि वो इस काबिल ही नहीं होती। एक हदीस में आया है कि फ़र्ज नमाज के लिए अल्लाह की यहाँ एक ख़ास वज़न है, जितनी उसमें कमी रह जाती है उसका हिसाब किया जाता है। अहदीस में आया है कि लोगों में सबसे पहले खुशू उठाया जाएगा कि पूरी जमात में एक शख्स भी खुशू से पढ़ने वाला ना मिलेगा। और सारी की सारी मखलूक अल्लाह पाक के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकती। ये पहले हिस्से का जो यकीन है ला इलाहा इल्लल्लाह के यम और मोहम्मद रसूलुल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह पाक दुनिया के अंदर भी कामयाब फरमाएंगे और मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी के अंदर भी कामयाब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और इस कलमे से हट के ज़िंदगी गुजरेगी तो फिर मेरे मोहतरम भाई दोस्तों नाकामी है। तो गाइस हमारी जाने की तैयारी है, फाद भाई भी चले गए, ये माशाल्लाह देख सकते हैं माशाल्लाह। अब जा रहे हैं हम लोग घर, इन भाइयों ने हमारी काफ़ी खिदमत की, ये भाई बैठ रहे हैं सारे माशाल्लाह से। फाद भाई पहले हमारी खिदमत के लिए निकल गए, ठीक है इंशाल्लाह तो मैं आपसे आगे मिलता हूँ। निकल गए अभी मस्जिद हो रहा माशाल्लाह से, अब जगह देख सकते हैं कितना खूबसूरत जगह है ये मस्जिद, सूरज ग्रूब हो रहा है। ألم يجعل كيدهم في تسليم وأرسل عليهم طيرا عرابيل भाई तो मतलब घर जाने की रुख्सत हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से हमारे 3 दिन पूरे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये देखिए हम लोग पुल से उतर रहे हैं, ये बहुत इनकी मेहनत हर जगह पे अभी हम लोग निकलते हैं, गाड़ी बुक करके हमको दिखाएंगे वहाँ पे पहुंचे। जो है हम लोग पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह, फाद भाई जो है कुछ मसरूफियात में आ ना सके तो ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा। ठीक है गाइस, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।